दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई ट्रैप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी चल रहा है सीजन कुकरबिट्स का, तो कुकरबिट्स में जो मेजर प्रॉब्लम होता है फ्रूट फ्लाई होती है। कुकरबिट्स में भी कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो बहुत ही ससेप्टिबल हैं फ्रूट फ्लाई के लिए। जैसे वो क्रॉप्स हैं टिंडा है हमारे पास, खरबूज है, खीरा है और ककड़ी है, जो मतलब जिनकी स्किन सॉफ्ट होती है उसमें फ्रूट फ्लाई ज़्यादा आती है। बिटर गार्ड है, तो अक्सर हम देखते हैं जब भी हम फ्रूट फ्लाई का अटैक देखते हैं तो जैसे हमारा जो बिटर गार्ड होता है या जो भी हमारे फ्रूट्स ककड़ी है तो उसमें क्या होता है, जब हम तोड़ते हैं तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे मैगेट्स निकलते हैं। वो मैगेट ही फ्रूट फ्लाई के लार्वा होते हैं, और उसी लार्वा से बचने के लिए हम ये ट्रैप यूज करते हैं। तो दोस्तों जो फ्रूट फ्लाई होती है वो जो एडल्ट फ्रूट फ्लाई है, तो उस एडल्ट फ्रूट फ्लाई को कैच करने के लिए हम ट्रैप यूज करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रैप है, इसका ये नीचे वाला पोर्शन है डब्बा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम पानी भर देते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ नीचे ये होल बना हुआ है, इसके थ्रू फ्रूट फ्लाई इंटर कर जाती है। और ये दोस्तों देखिए ये ऊपर का बॉक्स है, ये डब्बा है, इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट सा बना हुआ है। इस पॉइंट को दोस्तों क्या करेंगे, लेयर हम इसमें पहना देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो है आपको बॉक्स सा दिख रहा है, इसमें लेयर पहना देते हैं। लेयर को डाल करके फिर हम इसको इसके अंदर पहना देते हैं, फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये इजीली फिट हो गया और अब ये गिरेगा नहीं। फिट करने के बाद इसको इसमें पहना देंगे, पहना के फिर हम खेत में इसको लटका देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों लगाने का प्रोसीजर क्या है इसके। तो दोस्तों ये तो फ्रूट फ्लाई का बॉक्स है जो फ्रूट फ्लाई में ऐड होता है। अब मैं बताऊंगा लेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये फ्रूट फ्लाई का लेयर है, ये बैक्टरोसेरा कुकरबिटी का है और दूसरा वाला ये है लेयर, ये भी बैक्टरोसेरा कुकरबिटी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रूट फ्लाई दो टाइप की होती है, एक होती है बैक्टरोसेरा डॉर्सेलिस, जो बैक्टरोसेरा डॉर्सेलिस है फ्रूट फ्लाई दोस्तों वो जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको डैमेज करती है। जैसे हमारे पास अमरूद है, आम है और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनमें वो डैमेज करती है। तो ये जो बैक्टरोसेरा कुकरबिटी है दोस्तों, जैसे ये उसका लेयर है, ये उसका लेयर है बैक्टरोसेरा कुकरबिटी का, तो जो बैक्टरोसेरा कुकरबिटी है वो जो बेल वाली सब्जियां जितनी जितनी भी कुकरबिट्स हैं उनको डैमेज करती है। तो दोस्तों ये जो बैक्टरोसेरा कुकरबिटी का लेयर है, तो ये जो जितनी भी बेल वाली सब्जियां उन पर जो फ्रूट फ्लाई लगती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों ये दोनों ट्रैप्स हैं, ये कोपर्ट कंपनी का है और ये कोई PCI कंपनी है उसका है। कोपर्ट कंपनी दोस्तों क्या है, ये कंपनी ऐसी है जो मोस्टली जो है, ये कंपनी ऐसी है दोस्तों कोपर्ट जो सिर्फ ऑर्गेनिक के ही प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अभी इन दोनों के लेयर में मैं डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये ले और है, इसको हम काट के देखेंगे क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों ये जो कोपर्ट कंपनी का लेयर है इसमें कैप्सूल्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ये जो होल्स हैं इसी के थ्रू इसका फ्रेग्रेंस आता है। तो एक पैकेट में दो कैप्सूल हैं, तो हम क्या करेंगे अब इस कैप्सूल को, ये हमारा बॉक्स है इसमें हमने डाल दिया। अब इस कैप्सूल को हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो कैप्सूल है, ये जो अभी निकला इस कैप्सूल को हम इसमें पहना देते हैं, डाल देंगे। इस कैप्सूल को डालने के बाद क्या करेंगे, ये जो है इसको हम इसमें पहना देंगे। तो देखिए दोस्तों इसको हमने पहना दिया, अब ये गिरेगा नहीं, देख सकते दोस्तों अब ये गिरेगा नहीं। फिर क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है इसमें पानी भरेंगे, पानी भर के इसको इस पर पहना देते हैं। तो फिर दोस्तों ये जो हमारा नीचे का जो लिड है, जो पोर्शन है, उसको हम ऐसे इसको पहना देंगे। पहनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। तो दोस्तों अब ये थोड़ा सा हम देखिए इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम जब इधर घुमा देंगे तो कवर हो जाता है। इसको करने के बाद फिर हम इसको ले जाके बस सिंपली फील्ड में लटका देंगे, लटका करके हम छोड़ देते हैं इसमें। दूसरा क्या है दोस्तों,
अब जो दूसरी कंपनी का लेवर है मैं वो दिखा रहा हूँ कैसा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये जो प्लाई वाली जो लकड़ी होती है उसको यूज करते हैं, उसी को जो है इस केमिकल में, मतलब जो भी फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल होता है उसी में इसको डिप कर देते हैं। डिप करके फिर इस हम लेयर को क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स का जो निप है इसमें पहना देंगे, पहना के फिर हम इसको लगा देते हैं फील्ड में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारा ये बॉक्स तैयार है यूज करने के लिए। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी इसमें क्या आई है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये जो लेयर है ये जो हमारी जो फ्रूट फ्लाई फीमेल होती है उसके हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है जो हमारा जो मेल फ्रूट फ्लाई है वो अट्रैक्ट होता है और जब वो उड़ के आता है तो इस डब्बे में फंस जाता है। डब्बे फंसने के बाद इसमें नीचे वाला जो पोर्शन, इसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद उसमें क्या है वो मर जाता है। लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस आया है तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमारे पास जैसा क्या है आप देख रहे हैं ये पाउडर सा है कुछ, तो देख सकते हैं दोस्तों तो लगभग दोस्तों हम इतना सा पाउडर लेते हैं। ये जो पाउडर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पाउडर क्या होता है, अभी कोपर्ट कंपनी ने क्या किया, जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है बस फ्रूट फ्लाई को मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, बट ये जो पाउडर है दोस्तों, इस पाउडर में क्या होता है जो सड़े गले फ्रूट्स होते हैं उनका फ्रेग्रेंस आता है। जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता है कि जो फ्रूट फ्लाई होती है जो सड़े गले फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रेग्रेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इसमें जस्ट उसी सड़े गले फ्रूट्स का फ्रेग्रेंस है तो क्या होता है जितने भी मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई हैं सारे के सारे इसमें अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो इस डब्बे में ये कैच हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पाउडर है दोस्तों, इस पाउडर को हम इस नीचे वाले लिड में डाल के इसमें पानी भर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये सारा पाउडर है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस बॉक्स में डाल दूँगा। देखिए दोस्तों कितना ये जस्ट मॉइस्चर को पाते ही चिपक गया सारा पेपर में। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको इसमें डाल दिया डब बॉक्स में। अब इसमें पानी भर देंगे, पानी भरने के बाद बस इसको हम पहना देंगे। पहना दिया दोस्तों, अब इसको मैं क्या करूँगा, फील्ड में ले जाके लटका दूँगा पानी भर के।